आने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी। और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। आइए आज मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से बातें करना चाहता हूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले ए फॉर असम, असम में हमें गुवाहाटी जाना है, तो सबसे पहले गुवाहाटी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी एमपी साहिबान दिख रही हैं, हमारे कुछ मंत्री दिख रहे हैं, हमारे साथी सब वहां नजर आ रहे हैं। बताइए कौन बात करेगा। नमस्कार मंत्री महोदया। नमस्ते जी। मेरा नाम अनुभव महंता है और 13 साल पहले मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से मैं 72% फिजिकली चैलेंज हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट या गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो 3 साल पहले मैं मुझे ये जनौषधि के बारे में पता चला और उसके बाद हम लोगों ने एक इधर स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोग का अभी 2 जनौषधि केंद्र है और हम लोग मेरा मित्रों मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें से सर क्या बताइए, बताइए अनुभव सर। इसमें पहले आदमी बहुत कम आता था, अभी धीरे धीरे करके सबको जान पहचान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इससे मैं अपना जीविका तो कर ही रहा हूँ, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ऊपर से सबको, गरीबों का बहुत हेल्प हो रहा है सर। चलिए पहले तो आपको बहुत बधाई है, क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खोजा, जिससे आप कईयों की मदद कर रहे हैं। और आपने कहा कि आपके साथी भी इस नए नए काम में जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी है। शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे बात करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अशोक कुमार बेताला गुवाहाटी असम से बोल रहा हूं। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप बोलते चलिए, आप माइक की चिंता मत कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं सर मेरा ब्लड हेलो। अरे आप माइक की चिंता मत कीजिए भाई, वो जो ठीक कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए माइक की, वो जो करते हैं करने दीजिए, अशोक जी को करने दीजिए, सब लोगों को सर, सब लोग मदद करने जाओगे तो क्या होगा भाई। मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मेरा 2015 में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था। तो सर मैं लगातार 5 वर्षों से मैं दवाई ले रहा था, अंग्रेजी दवाई। तो फिर मेरे मित्रों ने, परिचितों ने बोला कि यहाँ बेलतला गुवाहाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है, आपका यहाँ पूरा गुवाहाटी में मोदी जी के दुकान के नाम से ही यहाँ जाने जाते हैं आप सर। तो मैं आपका यहाँ पूरा खर्चा है वो यहाँ से लगभग 900 रुपया महीने का ये होता है, तो मेरी लगभग 2500 रुपया की ये होती है, आपकी बचत होती है। मैं ये बचत है मैं पोती